सर्वप्रथम मैं डीवी गर्ल्स कॉलेज रायपुर का अत्यंत आभारी हूँ। श्रद्धा गरोलकर और प्रीति शर्मा मैडम ने मुझे आमंत्रित किया। वास्तव में वेबिनार जो है, सेमिनार का एक तरीके से देखा जाए, टेस्ट मैच के बाद वनडे आया था, वनडे के बाद जो आईपीएल वर्जन था वो आईपीएल वर्जन है वेबिनार। तो आज के आईपीएल वर्जन में हमारे जो ओपनर थे आदरणीय जोशी जी और आशीष सक्सेना जी, उन्होंने 20 ओवर नहीं 10 ओवर में इतना लंबा स्कोर खड़ा कर दिया कि हम लोग को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में खैर आपने मुझे बुलाया है तो आखिरी के 2-4 बॉल में भी खेल के विनिंग शॉट तो मारूंगा। और सर्वप्रथम देखिए, यहाँ पे जितनी भी चर्चा हुई है सामाजिक आर्थिक पक्षों की, तो साधारण तौर पे देखा जाए तो 21वीं सदी जो थी ये उत्तर औद्योगिक समाज था हमारा, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी था। और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी से ये कन्वर्ट हुआ आपका उपभोक्तावादी समाज में, कंज्यूमरम सोसाइटी में। यहाँ पे आजकल क्या हुआ कि इस दौर में उत्पादन की जो हमारी प्रोसेस थी, उत्पादन प्रक्रिया थी, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इसका महत्व कम हो गया, लेकिन उपभोग प्रक्रिया जो है, प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन का है, इसका महत्व बढ़ा। और इसका मूल कारण क्या था कि हमारे यहाँ जो सूचना तकनीक थी, टेक्नोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन थी, उसका इतना ज़्यादा प्रभाव हुआ कि हमारे सारी पारंपरिक जीवन शैली, हमारे मूल, हमारे वैल्यूज सारे बदल गए। आप देख रहे होंगे कि कुछ क्षेत्र हमारे यहाँ के भारत के जो उत्पादन क्षेत्र कहलाते थे, जैसे बम्बई है, अहमदाबाद है, जबलपुर है, सूरत है, चेन्नई है, ये सारे शहर एक समय ये था कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज के धुएं, इंडस्ट्रीज के सायरन और जो सुबह शाम वहाँ से जो श्रमिक आते जाते थे उनके लिए पहचाने जाते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ दौर में 2 दशकों से ये सारे शहर जो हैं, बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी दुकानों, हेरिटेज म्यूजियम, लेजार सेंटर, जिम, पार्लर, इवेंट मैनेजमेंट के लिए जाने जाने लगे। मतलब पूरी इनकी थ्योरी बदल गई। आज जो है यहाँ पे ये स्थिति हो गई कि व्यक्ति जो है फैशन का शिकार हो गया, फैशन ऑफ फैशन का विक्टिम बनता जा रहा है। वर्ल्ड ऑफ सिमुलेशन में हम जी रहे हैं। आज उसी दौर में एक आया, अचानक से एक अदृश्य वायरस आया, कोविड-19, इसने पूरा परिदृश्य बदल के रख दिया है। अब आप देखिए, हम जो है विद्युतीकरण पर आधारित एक भूमंडलीय इलेक्ट्रॉनिक ग्लोबल विलेज की ओर बढ़ रहे हैं। इसी उसमें आदरणीय ज्योति सर ने, महेश शुक्ला जी, आशीष सर ने कुछ इसके सकारात्मक प्रभाव हमको जरूर बताए हैं। तो आप देखिए, सकारात्मक प्रभाव पे मैं थोड़ी सी चर्चा करके पूरा का पूरा इसमें जो नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं उस पर चर्चा करूंगा। 2-3 चीजें हुई कि एक तो हमारे प्राथमिक समूह काफी स्ट्रांग हुए, हर व्यक्ति में जोखिम में जीने का आत्मविश्वास बढ़ा, आत्मनिर्भरता जो थी हमारी वो एक सामाजिक स्वतंत्रता का घोषणा पत्र सिद्ध हो रही है। हम दिखावे से बाहर आ रहे हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति से बाहर आए, बिना किसी ट्रेनिंग के हमने टेक्नोलॉजी सीख लिया। आपने देखा होगा जब 85 में राजीव गांधी के दौर में कंप्यूटर आया था, ट्रेनिंग दी जाती थी कंप्यूटर के लिए, लेकिन इस बार हम अपने आप सब टेक्नोलॉजी सीखते जा रहे हैं। कुछ वैश्विक असमानताएं हमारे यहाँ जो थी वो कम हुई हैं, फिजूल खर्ची पे हमारे रोक लगी है, ये तो सकारात्मक पक्ष है। लेकिन वहीं आप देखिए कि प्राथमिक संबंधों में एक होता है आपका पड़ोस, तो हमारा जो नेबर बिहेवियर है, पड़ोसी व्यवहार, ये पूरी तरह से बदल गया है। आज ये स्थिति के मैं अपने यहाँ जौनपुर में देख रहा हूँ, हमारे पड़ोस में कुछ लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, तो लोगों ने उनसे दूरी बना ली है, उस रास्ते से नहीं जा रहे हैं, वहाँ से भी जाते हैं तो प्रयास ये करते हैं उसके घर की परछाई भी उनके ऊपर ना पड़े। उनके प्रति, पड़ोसियों पे हमारा ट्रस्ट कम हो गया, हम अपने पड़ोस के लोगों से हमने मिलना जुलना बंद कर दिया। हमारे, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ, ज्योति सर आए हैं, देखा होगा हमारे यहाँ जो फ्लैट्स, हमने आजू बाजू के फ्लैट्स के लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया कि कहीं इनके कारण हमको नहीं। हमारे एक डॉक्टर साहब रहते हैं, रेलवे के डॉक्टर हैं, हम लोग उनसे दूरी बना रहे हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल आ जा रहे हैं, जबकि हमारे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन इस बीच में वो खुद भी दूर रह रहे हैं, वो तो सुरक्षा रख रहे हैं लेकिन हम भी दूर। ये जो हमारा पड़ोसियों पर ट्रस्ट था, नेबर ट्रस्ट, ये कम हुआ है। दूसरी चीज़ आप देखिए, वर्क फ्रॉम होम जो था, ये कल्चर वास्तव में भारत का था, भारत का ही कंसेप्ट था जो कि पूरे विदेश में आज छा गया, लेकिन इसके कारण टेंशन में वृद्धि हो रही है। 2 कमरों के 2 BHK वाले मकान आजकल चल रहे हैं, फ्लैट्स की संस्कृति है, इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, आपको उसी एक कमरे में रहना भी है, उसी एक कमरे में आपको अपने ऑफिस का काम करना है, तो आपके यहाँ वर्क प्लेस जो है उसकी कमी हो रही। तो बच्चों के भी खेलने के लिए, बच्चे भी अपने ऑनलाइन हैं, तो सारे बच्चे, उनकी क्लास ऑनलाइन लग रही है, मोबाइल में लगे रहते हैं, तो उनको अपना स्पेस चाहिए। अगर यहाँ पे किचन में जो हल्ला होता है तो उसके कारण वो चिल्लाते हैं बच्चे, तो देखिए बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं। आजकल सारे बच्चे जो हैं वो इन्वॉल्व हो गए हैं अपने टेक्नोलॉजी में। दूसरी चीज़, मैं 2-3 चीज़ बताऊंगा कि हॉस्टल, जैसे कोटा हम सब जानते हैं कि एजुकेशन इंडस्ट्री था,
अभी भी है, वहां से कम 2-3 लाख बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया के जाते हैं, इलाहाबाद में भी पढ़ने जाते हैं, आपके दिल्ली में भी कोचिंग के लिए जाते हैं, और बाकी शहरों में जैसे बेंगलोर है, पुणे है, यहाँ जाते हैं। तो लॉकडाउन पीरियड के कारण सब जगह काम बंद हुआ है, वापिस सब अपने घर में आए, तो इन बच्चों का नेचर जो था ये अकेले जीने वाला नेचर था, ये पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाते थे, इनकी हॉस्टल लाइफ थी। हॉस्टल लाइफ वाले बच्चे या जो अपने जॉब के लिए जो बाहर रह रहे थे शहर में, वो अपने पेरेंट के साथ एडजस्ट ही नहीं हो, उनको वैसा माहौल नहीं मिल रहा, वो तो घूमने फिरने, शाम को घूमने फिरने वाले की संस्कृति थी, ऑफिस से आए तो रेस्टोरेंट में खाना, घूमना फिरना, मॉल में जाना, गर्लफ्रेंड के साथ घूमना, ये सारा बंद हो गया। तो वो जो है परिवार के साथ, उनमें देखिए दूरियां बढ़ रही, जो कहा जा रहा ना कि हमारे प्राथमिक संबंध बहुत स्ट्रांग हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि प्राथमिक जो है समूह वो हमारा कमजोर भी हो रहा है। दूसरी चीज कुछ उदाहरण बताऊंगा कि देखिए बॉम्बे में कुर्ला की एक घटना है कि छोटे भाई को बाहर जाना था, बड़ा भाई उसके मना कर रहा था कि नहीं यहाँ पे संक्रमण बहुत ज़्यादा, आप घर में रहिए, घर के बाहर मत जाइए। तो इतना ज़्यादा वो छोटा भाई अपने बड़े भाई के प्रति हो गया, उसने उसे चाकू मार दिया और उसकी हत्या कर दी। अब सोचिए, ये कहीं भी हमने ऐसा देखा नहीं था कि अगर बड़ा भाई हमको मना करेगा तो छोटा भाई इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाएगा, असहनशीलता इतनी बढ़ गई। इसी तरह से एक छत्तीसगढ़ की बिलासपुर की एक घटना है, एक नंद अपनी भाभी के यहाँ आती थी, वो रोज का आना जाना था, लेकिन जिस क्षेत्र में वो संक्रमण बढ़ा था कहा गया कि आप आए नहीं है, तो भाभी बड़ी नाराज होती थी कि यार भाई तुम रोज रोज मत आया करो, फोन पे बात किया करो। पर नंद का क्या है, उसका मन नहीं मान, उसकी बच्चा परेशान करता था, वो लेके आती थी। एक दिन भाभी ने नंद की कुटाई कर दी। अब सोचिए पारिवारिक संबंध में कि भाभी ने नंद की कुटाई कर दी। इसी प्रकार से दिल्ली में एक शिक्षिका थी, सभी जानते हैं कि 17 मंजिल की बिल्डिंग में रह रही थी, घर के बाहर नहीं निकाल पा रही थी, पढ़ा नहीं पा रही थी, इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गई कि उसने बिल्डिंग से खुद की आत्महत्या कर ली। एक इसी तरह से बड़ौदा में, बड़ौदा का एक केस है कि पति पत्नी दोनों ऑनलाइन लूडो खेल रहे थे। ऑनलाइन लूडो में एक दिन पत्नी ने लगातार 5-6 बार पति को हराया। अब वो हारने के कारण पति इतना परेशान हुआ कि उसने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसका कहना था ये मेरे से ज्यादा स्मार्टनेस दिखा रही है, मेरे से ज्यादा होशियार हो गई। ये कुछ चीजें जो हैं ये भी हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे जो सभी हम कह रहे थे कि प्राथमिक समूह जो है बहुत स्ट्रांग हुआ है, लेकिन ये प्राथमिक समूह असहनशीलता के कारण संबंधों में जो है तनाव की स्थिति भी आ रही है। वर्क फ्रॉम होम जो था वो वास्तव में बहुत बढ़िया है, लेकिन उन घरों में वैसी हमको व्यवस्था बनाना पड़ेगी, एक हमको अलग कमरा बनाना पड़ेगा। अगर हम एक कमरा नहीं बनाएंगे तो हमारे घर में बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें तनाव आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा निर्भरता के कारण आज जितनी ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी पे पड़ रही है, तो हम देख रहे हैं बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं। पहले शुरू के लॉकडाउन के 15-20 दिन तो ठीक था कि बच्चे बहुत अच्छे थे, मम्मी के साथ रहते थे, आप ये बनाओ वो कराओ सब करो, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होना शुरू हुई, उन्हें जो ऑनलाइन अपने टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हुए, तो वो धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं। तो इसमें मैं सिर्फ एक ही लाइन कोट करूंगा कि वास्तव में जो हमारे सामाजिक संबंध अगर बचेंगे, अगर हमारे सामाजिक संबंध बचेंगे तभी समाज बचेगा, यानी इफ सोशल रिलेशन इज प्रोटेक्टेड देन सोसाइटी विल बी प्रोटेक्टेड।